सभी को नमस्कार। आयुक्ता ने कॉलेज शिक्षा के माध्यम से शुरू किए गए इस ज्ञान सुधा यूट्यूब चैनल पर मैं धर्म सिंह मीणा, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं यहां पर इस चैनल के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये हमारे आयुक्त महोदय डॉक्टर संदेश नायक जी का एक विचार है जो उन्होंने धरातल पर उतार दिया है, और इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि किस प्रकार से जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको उच्च शिक्षा में कार्यरत जो शिक्षक हैं जो स्वेच्छा से अपनी सेवाएं देना चाहते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के बच्चों के लिए, उनको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना जिसके माध्यम से कि आप तक जो सामान्य अध्ययन से रिलेटेड चीजें हैं वो आप तक पहुंच पाए। तो उसी कड़ी में मैं आज अपना जो प्रथम लेक्चर है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मेरा जो पहला लेक्चर है वो भारत में आर्थिक नियोजन से रिलेटेड है। तो जो मेरा टॉपिक है वो है इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। तो आज हम इसको पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी आपकी क्वेरीज हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आर्थिक नियोजन हमारा टॉपिक रहेगा आज का, इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन। तो सबसे पहले तो ये आर्थिक नियोजन होता क्या है इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो बहुत सिंपल शब्दों में, चूंकि प्रतियोगी परीक्षा में इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं और उनको समझना जरूरी होता है, तो मैं आपको परिभाषा बताने के बजाय इसके कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं मैं वो आपको बताना चाहूंगा कि जो आर्थिक नियोजन होता है उसके अंतर्गत क्या होता है। देखिए, कुछ पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को दिए गए समय में, यानी कुछ प्री डिटरमिनेटेड टारगेट होते हैं और उनके लिए कुछ गिवन रिसोर्सेज होते हैं और उन्हें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान यानी एक निश्चित समय अवधि में प्राप्त करने के लिए जो लेआउट तैयार किया जाता है, जो एक प्रकार से खाका तैयार किया जाता है, उसे हम लोग आर्थिक नियोजन कहते हैं। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पूर्व निर्धारित लक्ष्य होते हैं, प्री डिटरमिनेटेड टारगेट आपके होंगे, पूर्व निर्धारित आपके लक्ष्य होंगे जो आपको प्राप्त करने हैं। इसके अलावा जो टारगेट के साथ एक दिए गए संसाधन होंगे, गिवन रिसोर्सेज होंगे आपके, क्योंकि रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, तो गिवन रिसोर्सेज होंगे, दिए गए संसाधन हैं, और इन दिए गए संसाधनों के साथ एक निश्चित समयावधि होती है, एक टाइम ड्यूरेशन होता है, निश्चित समयावधि। तो उस समयावधि के दौरान जो लेआउट हमने तैयार किया है वो आर्थिक नियोजन है। तो ये आर्थिक नियोजन का कॉन्सेप्ट है और इसके अंतर्गत बहुत ज्यादा डिटेल से हमें नहीं जाना है, कंपटीशन के हिसाब से ही हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना है फिलहाल। अब इसके साथ आप एक चीज ये देखोगे कि भारत में जो इकोनॉमिक प्लानिंग टर्म है या आर्थिक नियोजन है वो कौन सी सूची में रखा गया है, क्योंकि भारत के संविधान में आर्थिक नियोजन का उल्लेख है, नियोजन का उल्लेख है, तो ये भारत के संविधान की यानी कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के अंतर्गत या फिर कौन सी जो लिस्ट है, जो तीन लिस्ट है हमारी, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट है, तो उनके अंतर्गत कौन सी लिस्ट के अंतर्गत इसको आता है, केंद्रीय सूची, राष्ट्र सूची या संवर्ती सूची। तो मैं आपको बता दूं कि आर्थिक नियोजन जो है संवर्ती सूची का विषय है, आर्थिक नियोजन संवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट जो लिस्ट है उसका विषय है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो कौन सी सूची का विषय है और इसको भविष्य में भी पूछे जाने की काफी संभावना है। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि इकोनॉमिक प्लानिंग जो है संवर्ती सूची का विषय है। इसको हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि आर्थिक नियोजन का विचार कहां से आया, कैसे आया और फिर भारत में इसको कैसे अपनाया गया। इससे पूर्व हम लोग आर्थिक नियोजन के इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक प्रकार से और समझना चाहेंगे कि आर्थिक नियोजन के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। तो राज्य के हस्तक्षेप के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यानी मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा प्रकार यानी टाइप्स, टाइप्स ऑफ प्लानिंग या इकोनॉमिक प्लानिंग। तो यहां पर सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ
गवर्नमेंट इंटरवेंशन, अर्थात सरकारी हस्तक्षेप के आधार पर आप इसको कितने भागों में बांटोगे। तो इसके आधार पर मैं आपको बता दूं कि दो भागों में बांटा जाता है, आदेशात्मक नियोजन और निर्देशात्मक नियोजन। दो भाग होते हैं, आदेशात्मक नियोजन एंड निर्देशात्मक नियोजन। आदेशात्मक जो नियोजन होता है, इसके अंतर्गत स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली निर्देश देती है, आदेश देती है, और उसके आधार पर आयोजना को बनाया जाता है। ये एक सेंट्रलाइज्ड नियोजन होता है। बट जो निर्देशात्मक यानी इंपेरेटिव जो होता है यहां पर, उसके अंतर्गत क्या होगा, सॉरी आदेशात्मक जो होता है वो इंपेरेटिव नियोजन होता है, और निर्देशात्मक है वो डायरेक्टिव होता है। डायरेक्टिव नियोजन जो नियोजन होगा, इसके अंतर्गत क्या होगा, डायरेक्टिव के अंतर्गत यहां सरकार प्लानिंग तो तैयार करती है, लेकिन उसको फिर निजी क्षेत्र के साथ मिलकर के और उसको लागू करती है। तो ये एक प्रकार से ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेयर। तो कई बार कंपटीशन में इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि आदेशात्मक नियोजन में क्या होता है, निर्देशात्मक में क्या होता है। फिर जो बी है यहां पर, यानी एक और बेस है जिसके आधार पर हम इकोनॉमिक प्लानिंग को क्लासिफाई कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, तो वो है प्रक्रिया के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। तो प्रक्रिया के आधार पर भी नियोजन के दो प्रकार होते हैं, और यहां भी आप देखोगे कि सेंट्रलाइज नियोजन होता है, यानी केंद्रीयकृत नियोजन होता है, केंद्रीयकृत नियोजन होता है, और इसके अतिरिक्त जो दूसरा नियोजन होता है वो होता है डिसेंट्रलाइज्ड, जिसे हम विकेंद्रीकृत बोलते हैं, विकेंद्रीकृत नियोजन। अब यहां पर आप देख पाओगे कि जो सेंट्रलाइज्ड नियोजन है, इसका मतलब वो सेंट्रलाइज्ड नियोजन के अंतर्गत टॉप टू बॉटम अप्रोच होती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट या जो अपर अथॉरिटी होती है वो आपके प्लानिंग का खाका तैयार करेगी, और उसके बाद उसको नीचे वालों को लागू करना होगा। और जो विकेंद्रीकृत नियोजन है वो है बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच के अंतर्गत क्या होता है, जो प्लानिंग बनती है वो नीचे से बनती है और ऊपर से उसे अप्रूव किया जाता है, उसके बाद उसे लागू किया जाता है। तो ये भी एक प्रकार से एक टाइप हो गया सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड नियोजन। इसके बाद हम और एक बेस के आधार पर इनको कई बार अलग करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल कॉम्प्रेहेंसिवनेस। रीजनल कॉम्प्रेहेंसिवनेस का मतलब है जो व्यापकता के आधार पर भी आप इसको कह सकते हो कि व्यापकता के आधार पर नियोजन, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रेहेंशन। तो ये आप एक बेस है, इसको भी नोट कर सकते हैं आप लोग चाहे तो, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में जब आपको कुछ याद करना है तो सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं होता, आपको साथ के साथ याद भी करना होता है। तो जो सी पॉइंट हम यहां पर लेना चाह रहे हैं वो है एक प्रकार से व्यापकता के आधार पर, व्यापकता के आधार पर। तो यहां पर व्यापकता के आधार पर आप देख पाओगे कि यहां भी दो प्रकार हो गए इसके, और दो प्रकार है वो कौन कौन से हैं। देखो, एक तो होती है प्लानिंग, नेशनल प्लानिंग यानी राष्ट्रीय आयोजन, और एक होती है प्लानिंग रीजनल प्लानिंग। मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूं, रीजनल प्लानिंग। देखिए, जो टारगेट राष्ट्रीय स्तर पर सेट किए जाते हैं, जैसे कि गरीबी हटाओ, जैसे कि ग्रोथ रेट को 8% रखना, तो ये जो टारगेट है वो हमारा नेशनल लेवल का है। पॉवर्टी इरिडिकेशन आ गया, तो ये जो जो बड़े लक्ष्य होते हैं उनको हम लोग नेशनल प्लानिंग के अंतर्गत लेते हैं। रीजनल प्लानिंग कैसे है, जैसे कि कुछ जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो रीजनल होती है, जैसे कि डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम राजस्थान में लागू होगा क्योंकि यहां पे डेजर्ट है, तो कुछ चीजें हैं वो रीजनल होती है। जैसे असम में फ्लड से रिलेटेड प्लानिंग बनाई जाएगी क्योंकि वहां पे फ्लड की सिचुएशन बहुत ज्यादा रहती है।
और जैसे अमेरिका में जो टेनेसी योजना थी तो वो वहीं से ये कॉन्सेप्ट निकल करके आया है। तो इस प्रकार से ये प्लानिंग के टाइप्स हैं, उनको भी कंपटीशन में कई बार पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने ये आपको पहले इंट्रोडक्शन इसका कराया है। अब हम लोग बात करेंगे भारत में आर्थिक नियोजन के ऊपर, और भारत में आर्थिक नियोजन को थोड़ा डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे। और मेरा प्रयास आज के इस लेक्चर में, इसके व्याख्यान में यही रहेगा कि आप से कोई जो पॉइंट है वो छूटे नहीं, जो बैकग्राउंड में जो चीजें हुई हैं इकोनॉमिक प्लानिंग के वो आपसे छूटे नहीं, और वहां से जो क्वेश्चन से भी कोई पिक किया जाए तो वो आप सॉल्व कर पाओ। देखो सबसे पहले 1928 में, 1928 में यूएसएसआर जो पूर्व सोवियत संघ है, सोवियत संघ, वहां से एक समाजवादी मॉडल चला था, और वहां ये आर्थिक नियोजन शब्द प्रयोग में लाया गया, और वहां से जो 5 ईयर प्लान थे वो शुरू हुए। तो सबसे पहले जो आर्थिक नियोजन शब्द का इस्तेमाल किया गया था वो 1928 में सोवियत संघ के द्वारा किया गया था, और उसी के बाद ये इकोनॉमिक प्लानिंग का जो एक पैटर्न है वो वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ और आगे चल के प्रसिद्ध हुआ। यही एक टर्म और है जो भी प्लानिंग से रिलेटेड है, एक टर्म दी गई थी मार्केट सोशलिज्म, बाजार समाजवाद। तो इसको ज्यादा नहीं पूछते बट ये पूछ लेते हैं कई बार कि एक टर्म किसने दिया, तो आस्कर लॉन्ग करके एक अर्थशास्त्री हुए हैं, उन्होंने इस टर्म का यूज किया था। और इंडियन जो प्लानिंग है उसको आप लोग जानते हैं कि शुरू में ये सोशलिस्ट के नजदीक थी, उसके बाद धीरे धीरे इसमें कैपिटलिस्ट की विशेषताएं आ गई, और हमारी जो इकोनॉमी है फिलहाल परफेक्टली मिक्स्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट हो चुकी है, और हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था के साथ अपने आर्थिक नियोजन को आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम इसके बैकग्राउंड में कुछ चीजें हैं, पृष्ठभूमि जो भारत में इकोनॉमिक प्लानिंग थी उसकी जो बैकग्राउंड में जो चीजें चलती हैं, पृष्ठभूमि में जो चीजें हैं उनकी स्टडी हम लोग आज करना चाहेंगे। आज के व्याख्यान के अंतर्गत हम लोग पृष्ठभूमि की बात करेंगे, और इस पृष्ठभूमि में आपको जिन जिन बातों का ध्यान रखना है मैं उन सबके ऊपर एक चर्चा करना चाहूंगा। तो भारत में आर्थिक नियोजन के लिए जो पहला प्रयास हुआ था वो था 1934 में। आप लोग बिल्कुल डेट्स को नोट करते चले, और एक बुक लिखी गई थी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। मैं आपको बता दूं कि ये जो बुक थी वो सर एम विश्वेश्वरैया की थी, तो विश्वेश्वरैया जी ने ये, विश्वेश्वरैया जी की ये बुक थी, इंजीनियर थे, इसीलिए इसको विश्वेश्वरैया योजना भी कहा जाता है। इस बुक के अंतर्गत, ये एक बुक थी, और इसके अंतर्गत भारत में आगामी 10 वर्षों के लिए एक योजना तैयार की गई थी कि किस प्रकार से विकास का जो रास्ता है वो तैयार किया जाना है। इसी के दौरान एक फिक्की प्लान आया, उद्योगपतियों का एक संगठन है फिक्की, कंपटीशन के स्टूडेंट मोस्टली जानते हैं, और एनआर सरकार उसके अध्यक्ष थे, एनआर सरकार, क्योंकि आजकल काफी डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ये याद रखने हैं ये जो फैक्ट्स हैं। एनआर सरकार इस दौरान फिक्की के अध्यक्ष थे, और आप कमेंट बॉक्स में बाद में जब भी ये वीडियो अपलोड होगा तो बताओगे कि वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष कौन है। तो एनआर सरकार के साथ आप देखोगे कि इन्होंने भी एक योजना तैयार की, और इन्होंने कहा कि देखो इनका जो प्रमुख सुझाव था वो हमें याद रखना है, इन्होंने राष्ट्रीय आयोजना यानी नेशनल प्लानिंग कमीशन की बात की, इन्होंने राष्ट्रीय नियोजन आयोग एनपीसी, राष्ट्रीय नियोजन आयोग की अनुशंसा की थी इन्होंने, नियोजन आयोग, और इसी की दिशा में एक प्रयास कांग्रेस ने सबसे पहले किया था, कांग्रेस प्लान 1938 में। तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए आप लोग जो डेट है उनको नोट करते चले, और निश्चित तौर पर ये जो डेट है आपके लिए यूजफुल रहेगी, एग्जाम में भी पूछा जाता है, लगभग समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में अर्थशास्त्र से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनका विवरण आपसे समय समय पर पूछा जाता है। अब यहां पर आप और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, 1934 में देखिए विश्वेश्वरैया प्लान आया, 1934 में ही
फिक्की योजना आ गई। इसके बाद 1938 में यानी 1938 में कांग्रेस प्लान नियोजन से संबंधित कांग्रेस प्लान आया और इसी कांग्रेस प्लान के अंतर्गत एनपीसी का गठन हुआ, नेशनल प्लानिंग कमेटी, राष्ट्रीय आयोजना समिति। और ये जो राष्ट्रीय आयोजना समिति थी, नेशनल प्लानिंग जो कमेटी थी, इसके जो चेयरपर्सन थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, जेएन नेहरू जी इसके चेयरमैन थे। तो यहां से ये प्रक्रिया कांग्रेस ने इसको काफी सीरियसली लेना शुरू किया और उसके बाद इसको अपने एजेंडे में शामिल किया कि भाई नियोजन होना चाहिए। तो इसके लिए कमेटी बना दी गई, नेशनल प्लानिंग कमेटी, और नेहरू जी इसके चेयरमैन रहे। देखिए ये इसके बाद ये टर्म चलता रहा और इसी श्रृंखला में आप देखोगे कि 1944 में एक बड़ा प्रयास यहां पर हुआ। भारत में आर्थिक नियोजन के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे बात करना चाहूं तो एक प्लान तैयार हुआ, बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है, बॉम्बे प्लान। अब ये जो बॉम्बे प्लान था ये किनका था? एट इंडस्ट्रियलिस्ट थे, 8 उद्योगपति थे और इन 8 उद्योगपतियों ने मिलके एक लेआउट तैयार किया। उन्होंने कहा कि देश में एग्रीकल्चर का रिस्ट्रक्चर होना चाहिए और इसके साथ ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी पैरेलल में चलना चाहिए, तब जाकर के देश का डेवलपमेंट होगा। तो देश के उद्योगपतियों ने अपनी भूमिका को आर्थिक नियोजन में सबसे पहले जो दिखाया था वो दिखाया था 1944 में। तो इसलिए ये काफी फेमस है। मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रमुख उद्योगपति थे उनके नाम आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो, 8 उद्योगपतियों के नाम। देखो पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास का नाम आपने शायद नहीं सुना हो, जिन्होंने कंपटीशन की तैयारी कर रखी है वो जानते हैं, बड़े उद्योगपति थे। JRD टाटा का नाम सबने सुन रखा है, बिरला जी का नाम सबने सुन रखा है, जॉन मथाई थे, श्रॉफ करके थे। तो इसके अलावा जो थे लाला श्रीराम और कस्तूर भाई लाल भाई और ए दलाल करके, ये 8 उद्योगपति थे। मेरे सामने इन 8 उद्योगपतियों को आप और थोड़ा सा सर्च करोगे तो आपको 8 उद्योगपतियों की लिस्ट मिल जाएगी और इनका नाम आपको याद करना है, उद्योगी परीक्षाओं के हिसाब से याद करना है, क्योंकि आजकल क्या है कंपटीशन के अंतर्गत इन्हें पूछा जाने लगा है कि कौन से शामिल नहीं थे, कौन शामिल थे। तो इस तरीके के क्वेश्चन उद्योगी परीक्षाओं में आजकल पूछे जाते हैं। इसी में आप और थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो इसी दौरान 1944 में, 1944 में ही एक और प्लान आया जिसे बोलते हैं गांधीयन प्लान, गांधीवादी योजना। गांधीवादी योजना। अब गांधीयन प्लान के अंतर्गत क्या हुआ, जो लघु कुटीर उद्योग है, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री है, इसके ऊपर बल दिया गया। और इसमें ये पूछा जाता है कि ये दिया किसने था, तो श्रीमान नारायण अग्रवाल, आपको नाम ध्यान रखना है, श्रीमान नारायण अग्रवाल जी थे, इन्होंने इसको दिया। तो ये नाम आपको बिल्कुल ऐसे याद रखने हैं क्योंकि इनमें हम लोग जो है कोताही नहीं बरत सकते हैं। इसके बाद इसी श्रृंखला में जो और प्रयास हुए उनको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, आप लोग साथ के साथ नोट करते चले। देखिए 1944 में क्या हुआ, इसके बाद 1945 में एक और प्लान जो निकल करके आया वो था MN राय का पीपल्स प्लान यानी जनवादी योजना। MN रॉय ने दिया था और पीपल्स प्लान के नाम से इसको जानते हैं। और पीपल्स प्लान के अंतर्गत क्या था, जनवादी योजना थी जिसमें यह कहा गया था कि सबसे पहले लोगों की जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा करने का प्रयास सरकार को करना चाहिए। तो MN रॉय उस टाइम पर बहुत बड़े समाजवादी एक ट्रेड यूनियन के लीडर थे तक के, और इसीलिए काफी फेमस इनको कहा जाता है और इनकी योजना भी काफी फेमस रही। इसके बाद आप चलोगे 1950 में सर्वोदय प्लान, सर्वोदय प्लान यानी आयोजना योजना। तो सर्वोदय प्लान जो था ये
जयप्रकाश नारायण ने दिया, जयप्रकाश नारायण ने इसको दिया। तो ये आप इनको याद रखना है, और ये पूर्ववर्ती प्रयास थे देश में प्रॉपर जो आर्थिक नियोजन था उसके शुरू होने से पहले के ये प्रयासों की एक कड़ी थी। इस कड़ी के बाद कुछ सिस्टमेटिक प्रयास शुरू किए गए, देश आजाद हो चुका था। और देश के आजादी के ठीक बाद, जो कि हम लोग, मैंने आपसे पहले भी पूर्ववर्ती इस लेक्चर में, इसी में मैंने पहले थोड़ा सा डिस्कस किया है कि किस प्रकार से इकोनॉमिक प्लानिंग को हमने सोवियत संघ से एडॉप्ट किया था। तो चूंकि हम लोगों ने इसको सोवियत संघ से अडॉप्ट किया था, तो यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब सोवियत संघ से अडॉप्ट किया था तो हम लोग काफी हद तक सोशलिस्ट इकोनॉमी के इर्द गिर्द थे। बट जो ये प्रयास सिस्टमेटिक वे में संपन्न हुए 1934 से लेकर, मैं आपको पुनः एक प्रकार से इनके ऊपर प्रकाश डाल देता हूं। 1934 सर एस विश्वेश्वरैया प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया, उसके बाद सैम फिक्की प्लान, और इसके बाद और आगे बढ़े हम लोग राष्ट्रीय आयोजना समिति जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में बनी। इसके बाद और थोड़े से हम लोग आगे बढ़े 1944, 1944 में बॉम्बे प्लान आया 8 उद्योगपति, और इसके बाद 1944 में फिर हम लोगों ने श्रीमान नारायण की गांधीवादी योजना आई। उसके बाद 1945 का पीरियड आया, 1945 में आप देखोगे कि एमएन रॉय का पीपल्स प्लान आया, और 1950 में जो है सर्वोदय प्लान आया जेपी नारायण का। तो इस प्रकार से ये एक सीक्वेंस से कुछ चीजें घटित हुई देश में, और उसकी परिणति देश में एक सिस्टमेटिक नियोजन की हुई। तो इसको हम लोग और कंटिन्यूस करते हैं, और इसके बाद स्वतंत्रता के बाद कुछ संस्थाओं का भारत में उदय हुआ जिनका योगदान निश्चित तौर पर देश के आर्थिक नियोजन में बहुत ज्यादा रहा है। क्योंकि हम लोगों ने 5 ईयर प्लान को एडॉप्ट किया था, पंचवर्षीय योजना को उस दौरान एडॉप्ट किया था। तो मैं आपको बता दूं कि उस दौरान दो संस्थाएं थी, एक तो योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, और एक थी एनडीसी यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो दो संस्थाएं थी जिनके माध्यम से हम लोगों ने हमारे यहाँ आर्थिक नियोजन के रास्ते को कवर किया है। यहां पर आप देखोगे योजना आयोग से संबंधित कुछ तथ्य हैं जिनको कंपटीशन में पूछा जाता है। एक तो ये नियोगी आयोग थे, नियोगी आयोग की सिफारिशों के आधार पर, नियोगी आयोग की सिफारिशों के आधार पर एक कैबिनेट नोट के माध्यम से, ध्यान रहे कैबिनेट नोट के माध्यम से इसकी रचना हुई। दोनों का सेम था, इनकी भी कैबिनेट नोट के माध्यम से ही रचना हुई थी, राष्ट्रीय विकास परिषद की ही। और ये स्थापना हुई थी 15 मार्च, 15 मार्च 1950 को, और एनडीसी की स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 को। तो डेट आपको बिल्कुल याद रखनी है, और चूंकि संघीय ढांचा था तो एनडीसी के अंतर्गत, प्लानिंग के अंतर्गत राज्यों को भागीदारी दी गई, उनके मुख्यमंत्रियों को भी उसके अंतर्गत शामिल किया गया था, और योजना आयोग के अंतर्गत जो केंद्रीयकृत आयोजना का निर्माण किया जाता था। केंद्रीयकृत का मतलब मैं आपको पहले से समझा चुका हूं, टॉप अप अप्रोच थी, यानी ऊपर से योजना बनती थी नीचे लागू होती थी। योजना आयोग से जुड़े कुछ और तथ्य हैं, जैसे योजना आयोग के अध्यक्ष जो है एक्स ऑफिशियल जो प्रेसिडेंट जो होते हैं, चेयरमैन जो होते हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस तरीके से हमारे पहले अध्यक्ष कौन हुए योजना आयोग के, ऑफ कोर्स जवाहरलाल नेहरू हुए, गुलजारीलाल नंदा उस टाइम पर इनके पहले क्या बने थे, जीएल नंदा जी इसके पहले उपाध्यक्ष बने। ये भी काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर निकल करके आता है कि जीएल नंदा जी इसके पहले उपाध्यक्ष थे। अब इसके आखिरी अध्यक्ष कौन रहे योजना आयोग के, तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, जो हमें पूछा जा सकता है, क्योंकि कुछ चेंजेस, सर्टेन चेंजेस हैं वो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने किए हैं। तो एक ये भी बन सकता है कि जो अंतिम थे वो कौन थे, तो अंतिम अध्यक्ष थे वो कौन रहे, नरेंद्र मोदी जी रहे, क्योंकि इन्होंने इसको खत्म किया था। तो जब तक योजना आयोग था, वर्किंग था, तब तक यही इसके अध्यक्ष रहे। उस दौरान मोंटेक सिंह अहलूवालिया जो थे वो इसके
उपाध्यक्ष थे। अब आप उधर की तरफ चलोगे, एनडीसी की तरफ, तो सेम यही इसका सेटअप रहता है। अंतर क्या होता है, इसके अंतर्गत सिर्फ कुछ कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं और प्रशासनिक अधिकारियों का एक अमला जमा होता है पूरा। एनडीसी के अंतर्गत सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी शामिल किया गया था, जिसके माध्यम से कि राज्यों को भी भागीदारी निभाने का अवसर मिले। और भारत में इसके बाद जो आर्थिक नियोजन की एक व्यवस्थित शुरुआत थी, वो 1 अप्रैल 1951 से शुरू हुई। 1 अप्रैल 1951 से हम लोगों ने 5-year plan को एडॉप्ट किया, और उसके बाद कंटिन्यूअस हम लोगों ने 12वीं योजना तक, यानी 12th 5-year plan तक काम किया। उसके बाद इन दोनों संस्थाओं का अस्तित्व था वो समाप्त कर दिया गया एक और कैबिनेट नोट के माध्यम से, और एक नई संस्था नीति आयोग की रचना हुई, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। नीति आयोग की रचना हुई, और ये कब फॉर्म में आया, 1 जनवरी 2015 को। और उसके बाद एक एनडीए के नाम से एक प्लान तैयार किया गया है, राष्ट्रीय डेवलपमेंट एजेंडा। इसके ऊपर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हमने आज डिस्कस किया है उसके ऊपर, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, कुछ स्लाइड्स हैं, उनको आप लोग देखें और खुद को अवलोकित करने का प्रयास करें। और मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि ये जो चैनल है, डॉक्टर संदेश नायक जी का एक विजन है कि आप लोगों की के लिए प्रयास किए जाए, तो उसी दिशा में ये प्रयास है। और आप लोग वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि ये अधिकतर विद्यार्थियों तक इसकी रीच है वो हो पाए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। भारत में आर्थिक नियोजन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो इस प्रकार से हैं। ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर आज डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ 5 ही क्वेश्चन हैं, इनको आप लोग देखें एक बार, उसके बाद हम लोग आगामी जो स्लाइड्स हैं उनमें ज़्यादा क्वेश्चंस का प्रयोग किया करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में आर्थिक नियोजन कौन सी सूची में शामिल होता है, इकोनॉमिक प्लानिंग इन विच लिस्ट इन इंडिया। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि स्टेट लिस्ट, देन सेंट्रल लिस्ट, देन कॉन्करेंट लिस्ट एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो होगा सी। ये मैंने आपको अपने लेक्चर में बताया था, कॉन्करेंट लिस्ट के अंतर्गत भारत में इकोनॉमिक प्लानिंग को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन आप देखोगे, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ये भी हमने डिस्कस किया था, आप लोग थोड़ा भी दिमाग लगाओगे और यदि आपने वीडियो को ढंग से देखा होगा तो यू कैन सॉल्व इट इजीली। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, आंसर रहेगा सर एस विश्वेश्वरैया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि गुलजारी लाल नंदा जी जो है हमारे पहले उपाध्यक्ष रहे। तो आप लोगों को पहले अध्यक्ष का पता होना चाहिए, जो वाइस चेयरमैन है हमारे, वो हमारे रहे हैं जीएल नंदा जी। और क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय आयोजना समिति की स्थापना कब हुई। तो आपको डिस्कशन यहाँ पर पहले हमने किया था कि जो फिक्की प्लान के अंतर्गत ये मांग की गई थी और कांग्रेस ने इसे अपने प्लान में शामिल करते हुए कांग्रेस प्लान के अंतर्गत 1938 में इसको एडॉप्ट किया था, इसकी स्थापना की थी। तो 1938 यहाँ पर आंसर आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हमारा बॉम्बे प्लान के अंतर्गत कितने उद्योगपति शामिल थे। तो 1945 को ये हुआ था बॉम्बे प्लान, 1945 को। तो ये एक तो आपको ईयर याद रखनी है, इसके साथ ही क्या हुआ था, इसके अंतर्गत कितने उद्योगपति थे। तो 8 उद्योगपति थे, आंसर डी रहेगा इसका। और इकोनॉमिक प्लानिंग से रिलेटेड लगभग 50 क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव आपके साथ, जब मेरा ये पूरा प्लानिंग का चैप्टर पूरा हो जाएगा उसके बाद सिर्फ एक वीडियो पूरा बनाया जाएगा जो सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होगा। तो आप लोग इस सीरीज को थोड़ा देखते रहें और उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच। चैनल को अपने जो साथी हैं उसके साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि ये इसका जो बेनिफिट है वो अधिकतर स्टूडेंट्स तक हो सके। कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।